जितने भी लोग बैठे हैं हम लोग ऑनलाइन ना होने को ठीक है क्योंकि वो सारा में भी कुछ बाकी जो भी हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए लोग हैं वे चालू है आनंद सर जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे शिक्षक कर्मचारी अधिकारी गण और विश्वविद्यालय के छात्राएं उनसे भी सही अनुरोध है कि वे अपने आप को म्यूट करते हैं इससे भी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई दे और कार्यक्रम जो विश्व दिव्यांग दिवस समारोह 2020 विश्वविद्यालय कौन से आयोजित होने जा रहा है उसको आप सभी लोग उसका पूरा आनंद उठा सके। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी का स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए माननीय कुलपति जी से अनुमति चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूँ माननीय कुलपति जी से और हमारे मंचस्थ अधिकारी गण से कि वे माता सरस्वती जी को पुष्प अर्पित करके उनका वंदन करें और संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार के लिए माता सरस्वती जी से कामना करते हैं। माननीय कुलपति जी माननीय अधिकारी महोदय Thank you.
और इसी क्रम में जेआर सर से कुल सचिव महोदय का स्वागत करेंगे उनके प्रणाम करके, और हम सभी लोग अपने भावनाओं से स्वागत करते हैं आज के इस दिव्य अवसर पर। माननीय कुलाधिपति जी को नमन करते हैं और उपस्थित अपने समस्त अधिकारी गणों को नमन वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं यारों सर से निवेदन करूंगा कि वे प्रयास करते रहें, जैसे ही गुरु जी बढ़ेंगे बीच में कोई भी कार्यक्रम चलता रहेगा तो उसे रोक कर हम लोग गुरु जी का उद्बोधन संपादित कराएंगे। आप संपर्क करते रहें। इससे पूर्व मैं अपने अधिष्ठाता महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे विगत वर्ष जैसे विगत वर्ष प्रतियोगिताएं होती थी तो एक उत्साह था, बच्चे यहाँ जुटे रहते थे, बहुत से बच्चों की इच्छा थी कि सर हम नहीं भी वहां है तब भी उस कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। जो भी संसाधन उपलब्ध थे उन संसाधनों के द्वारा पिछले 8-10 दिन से विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, और जिन जिन विधा में प्रतियोगिताएं जिन विधा में बच्चे उपस्थित हो सके, बहुत सी विधाएं हम नहीं कर पाए क्योंकि उनके जो बच्चे थे उनके पास या तो व्हाट्सएप वाले मोबाइल नहीं थे या ऐसे उपकरण नहीं थे जिससे वो जुड़ पाए, तो वो कुछ विधाएं हमारी छूट गई। लेकिन जिस विधा में बच्चे उपस्थित हो सके उन सभी विधाओं की प्रतियोगिताएं ऑनलाइन मोड से गूगल मीट से हमारे समस्त आचार्य बंधुओं ने संपादित की। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर विनोद मिश्र जी हमारे अधिष्ठाता महोदय इस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे कि कौन कौन से प्रतियोगिताएं, उसमें कौन कौन से संयोजक रहे, किन किन लोगों ने संयोजन किया, और उस प्रतियोगिता में पहले तो प्रतियोगिता और उनके संयोजकों के नाम आप बता दें, और फिर किन किन छात्रों ने प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया उसको भी डॉक्टर विनोद मिश्र जी यहाँ बताएंगे। मैं अनुरोध करता हूँ विश्व विज्ञान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति जी, कुल सचिव महोदय, वित्त अधिकारी महोदय, लेखाधिकारी महोदय और सभी आचार्यगण को प्रणाम करता हूँ। जो कार्यक्रम विगत 10 दिनों से चल रहा था उसका जो आकर्षक रहा उसके बारे में आपको बताते हैं। पहला क्विज प्रतियोगिता जिसके आयोजन मंडल में श्री निहार रंजन मिश्र, श्री कुमार प्रदेव दुबे और रवि प्रकाश पांडे। दूसरा काव्य पाठ प्रतियोगिता जो स्वरचित था, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी तीनों माध्यम में था, जिसके आयोजन मंडल में डॉक्टर किरण त्रिपाठी, डॉक्टर प्रमिला मिश्रा, डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी, श्री सुधाकर मिश्र जी थे। तीसरा निबंध प्रतियोगिता जिसका विषय था कोरोना महामारी में दिव्यांग जन की समस्याएं, जिसके आयोजन मंडल में श्री दिलीप कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार जी थे। चौथा वाद विवाद प्रतियोगिता जिसका विषय रहा ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली शिक्षण का उत्तम विकल्प है, इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों में बच्चों को बोलना था, जिसके आयोजन मंडल में डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी, डॉक्टर कुमार शुक्ला, डॉक्टर संजय कुमार नायक, डॉक्टर अमिता त्रिपाठी, श्री मनीष कुमार जी थे। भाषण प्रतियोगिता जिसका टॉपिक रहा नई शिक्षा नीति 2020, इसके आयोजक मंडल में डॉक्टर मुरलीधर सिंह, श्री दुर्गेश कुमार मिश्र, डॉक्टर त्रिमुनी त्रिपाठी। आठवां नृत्य प्रतियोगिता जिसमें डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव, श्रीमती विश्या माथुर, डॉक्टर रीना पांडे, डॉक्टर निपित तिवारी जी आयोजन मंडल में थी। योग की प्रतियोगिता जिसमें तो आयोजन हुआ है एक आसन की प्रतियोगिता और दूसरा शुद्ध क्रिया प्रतियोगिता जिसमें जिसके आयोजन मंडल में डॉक्टर अमरीश राय एवं श्री जितेंद्र प्रताप सिंह। इस तरह से कुल प्रतियोगिताओं के जो परिणाम आए हैं उनके बारे में बताते हैं। पहला क्विज प्रतियोगिता जिसमें पांच ग्रुप में कुल 10 विद्यार्थी थे, एक एक ग्रुप में दो दो विद्यार्थी थे। प्रथम पुरस्कार प्राप्त ग्रुप डी जिसमें चंदन कुमार सिंह एमएड फर्स्ट ईयर और राकेश कुमार एमएड फर्स्ट ईयर के साथ। द्वितीय पुरस्कार ग्रुप ए सुधीर कुमार विश्वकर्मा एमए और प्रमोद कुमार साहू पीजीडीसीए के साथ। तृतीय पुरस्कार जो सम्मिलित रूप में ग्रुप सी और ग्रुप ई को प्राप्त हुआ।
ग्रुप सी में अनुज कुमार बीसीए छात्र हैं, रमेश कुमार ए बी बीसीए के हैं, और ग्रुप ई में अमित कुमार बीए फर्स्ट ईयर के और बल्क तरुण मिश्र ए बी बीए फर्स्ट ईयर के। स्वरचित काव्य पाठ में हिंदी और संस्कृत दो में काव्य पाठ हो सका। हिंदी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले देवदत्त निषाद जो बीए के छात्र हैं, दूसरे नंबर पर गुरु प्रजापति ए बी बीए के छात्र, तीसरे नंबर पर भास्कर शुक्ला जी बीए के छात्र। संस्कृत काव्य पाठ में प्रथम पुरस्कार सही सम्मिलित रूप में दो छात्रों को मिला, पुष्पा देवी और प्रमोद कुमार। द्वितीय पुरस्कार संस्कृत काव्य पाठ में धीरेन्द्र कुमार जो एम ए फर्स्ट ईयर के छात्र। निबंध प्रतियोगिता में फर्स्ट पुरस्कार पंकज मिश्रा बीए के छात्र हैं, सेकंड पुरस्कार कुमारी सुनीता जो एम ए फर्स्ट सेमेस्टर अर्थशास्त्र की छात्र है, और थर्ड पुरस्कार रजनी देवी एमसीए की छात्र है। वाद विवाद प्रतियोगिता में पक्ष में बोलने वाले प्रथम पुरस्कार पाने वाले विजय कुमार बीए के छात्र हैं, तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुशील कुमार जी बीए जनरल फर्स्ट ईयर के छात्र, थर्ड पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंकज मिश्रा ये भी बीए बीआई के छात्र, और विपक्ष में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले राम कुमार जो एमए फर्स्ट हिस्ट्री के छात्र हैं, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले आकांक्षा सिंह बीए बीआई फर्स्ट सेमेस्टर की छात्र, और तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से दो छात्रों को मिला है, उमेश कुमार बीए जनरल के हैं और रोहित कुमार ए बीए जनरल के छात्र। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजय कुमार बीए बीआई के छात्र हैं, सेकंड पुरस्कार पाने वाले बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, और थर्ड तीसरे नंबर पर देवदत्त निषाद ए बी बी ए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र। एकल नृत्य प्रतियोगिता में कुल छह बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार शशि देवी बीएफए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्र है, और द्वितीय पुरस्कार प्रियंका यादव जो एमए फर्स्ट अंग्रेजी की छात्रा है, और थर्ड पुरस्कार संयुक्त रूप से साबिर अली और वेदिका को मिला है, साबिर अली एमए की छात्र है, वेदिका बीसीए की छात्र। योग प्रतियोगिता में आसन की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार अजीत सिंह चौहान, द्वितीय पुरस्कार महेंद्र सिंह तोमर, और तृतीय पुरस्कार प्रियंका को मिला। शुद्ध क्रिया प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार राहुल कुमार, द्वितीय पुरस्कार प्रीति दीक्षित, तृतीय पुरस्कार आशीष कुमार को मिला है। इन सभी बच्चों को बधाई दे तालियों के साथ। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पिछले 10 दिनों से जो प्रतियोगिताएं संपन्न हुई उसको विस्तृत हमारे अधिकारीगणों के समक्ष उसकी रूपरेखा और विस्तृत रिपोर्ट आपने प्रस्तुत की। हमारे जिन विद्यार्थियों को स्थान मिला उनको सर्टिफिकेट भी हमारे संयोजक सामान्य संयोजक महोदय लोग ऑनलाइन ही उन्हें सर्टिफिकेट की व्यवस्था बनाए, और संभवतः क्विज का तो सर्टिफिकेट भी बच्चों को मिल गया है। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पिछले 8-10 दिन जो कार्यक्रम हमारे समस्त शिक्षक साथियों ने मिलकर के किया उसके लिए मैं सांस्कृतिक समन्वय के रूप में आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और जितने उत्साह से इस कार्यक्रम को आप लोगों ने संपादित किया है, निश्चित रूप से ऑफलाइन मोड होने के बाद भी, ऑनलाइन मोड होने के बाद भी हमारे छात्रों ने बड़े उत्साह से उसमें भाग लिया। क्योंकि जब ऑफलाइन कार्यक्रम होते थे तो एक समस्या आती थी कि वही बच्चे प्रायशः वो 10-20 बच्चे हैं जो लगभग सभी इवेंट्स में भाग लेते ही, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक साथ दो दिन की प्रतियोगिताएं होती थी, तो प्रतियोगी जो होते थे वो होते थे निर्णायक मंडल के सदस्य होते थे और 2-4 बच्चे बैठते थे। लेकिन ऑनलाइन मोड में जितने भी लोगों ने प्रतियोगिताएं संपन्न कराई किसी में भी 25-30 से कम की संख्या नहीं थी। ये हम लोग देख रहे थे, सर्वे उसमें जुड़े थे, काफी डिपार्टमेंट लोग सर्वे जुड़े थे और भी 1-2 प्रतियोगिताओं में सर जुड़े थे, रजिस्ट्रार साहब बराबर जुड़े रहते थे। तो ये एक बड़ा लोग प्लस रहा कि बच्चों ने भी बड़ी उत्साह से उसमें भाग लिया और बड़े अनुशासन से उस कार्यक्रम का आनंद भी लिया और उसमें पार्टिसिपेट किया। वे सभी छात्र भी बधाई के पात्र हैं। अब इसी क्रम में हम आशीर्वचन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्यारो साहब प्रयास करते रहेंगे, जैसे गुरु जी जुड़ेंगे तो आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस क्रम में सबसे पहले मैं 2 शब्द शुभकामना के लिए अपने
रजिस्ट्रार साहब से अनुरोध करता हूँ कि वह हमारे छात्रों को और हमारे विद्यालय परिवार को इस अवसर पर संबोधित करेंगे। माननीय कुल सचिव महोदय, विश्व दिव्यांग दिवस के विश्व दिव्यांग दिवस 2020 के अवसर विश्व के प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय के संस्थापक जीवन पर्यंत माननीय कुलाधिपति को ओर से मन करता हूँ। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के परम सम्मान्य यशस्वी रूपजी, आदरणीय वित्ताधिकारी, आदरणीय लेखाधिकारी एवं सम्मान मित्रों, यह हम सब के लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि विश्वविद्यालय में इस वैश्विक महामारी के कारण आज हम सर्वप्रथम ऑनलाइन माध्यम से अपनी यह प्रतियोगिता आयोजित करने में बहुत कुछ सफल हुए। इतना ही नहीं, हम इसके पूर्व ऑनलाइन शिक्षण और परीक्षा काफी कार्य सफलतापूर्वक संपादित किए। वाल्मीकि कृत रामायण में प्रथम उल्लेखित चित्रकूट धारा धाम पर विश्व के प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जुलाई 2021 ईस्वी को दिव्यांग जन में विभिन्न कला का विकास करने, वर्तमान चुनौतियों का सामना करने एवं योग्य तथा सक्षम नागरिक के रूप में समाज और राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अपनी स्थापना काल से ही अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है। हमारे योग्य प्राध्यापक दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में और सकलांग विद्यार्थियों की तरह प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करने के योग्य तत्पर करते हैं, योग्य बनाते हैं, जिसका प्रतिफल हम पूर्व और वर्तमान में विद्यार्थियों के विभिन्न प्रतियोगी प्रतिस्पर्धाओं और उनके शैक्षणिक उपलब्धियों में हम निरंतर देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वक्तव्य को विश्राम देते हैं और हमारा विश्वविद्यालय और हमारे विद्यार्थी निरंतर अपने प्रगति पथ पर अग्रसर रहे हैं। इन्हीं शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय कुल सचिव महोदय ने अपने उद्बोधन में हम सभी का उत्साह वर्धन भी किया और विद्यार्थियों की जो रुचि है उस पर भी आपने प्रकाश डाला। अब इसी क्रम में मैं अगले उद्बोधन के लिए आशीर्वचन के लिए अपने वित्ताधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे अपने भावोद्गार दो शब्द हमारे विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय परिवार के लिए प्रस्तुत करेंगे। वित्ताधिकारी महोदय, विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलाधिपति जी के चरणों में प्रणाम। आज माननीय प्रचार साहब, हमारे साथी जो है और विश्वविद्यालय के सभी, बड़ा ही हर्ष होता है सुना है साथ बताया। इतनी झंझट के बावजूद भी और आयोजक श्री परमिशन ने और उनकी टीम ने सभी साथियों ने मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया सफल और बढ़ चढ़ करके हमारे छात्र छात्राएं उन सभी कार्यक्रमों में शामिल थे और सभी ने पुरस्कार के लिए अपना अधिकार जताया, अधिकार मिला उनको। सभी को हमारी हार्दिक बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे इसी तरह से
सभी आने वाली कठिनाइयां जो आपके कंट्रोल नहीं है उनको पार करते हुए अपना साहस बरकरार रखते हुए जीवन की उच्चतम शिखर पर सफलता के शिखर पर पहुंचे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सबको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपने अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार को प्रेषित की। लगातार प्रयास हो रहा है कि माननीय कुलाधिपति जी जुड़ जाएं, कुछ वहां तकनीकी ऐसी खराबी है जिसके कारण जुड़ने में समस्या हो रही है। हम जब तक कार्यक्रम चल रहा है उस बीच निरंतर प्रयत्नशील है और जैसे ही वहां हमारे लोग सहयोगी लोग माननीय कुलाधिपति जी को जोड़ पाएंगे इस तकनीकी व्यवस्था में तो हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यदि उनका आशीर्वाद तो प्रतिक्षण विश्वविद्यालय परिवार के लिए बना रहता है। अब ये कुछ तकनीकी कमियां हैं जो हमारे आपके बस में नहीं, प्रयास चल रहा है जैसे ही जुड़ेगा हम सभी को प्रत्यक्ष इस ऑनलाइन मोड में आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं आनंद सर से अनुरोध करता हूँ कि यदि हम इस बीच अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश गुप्ता जी का यदि उद्बोधन यहाँ इस कार्यक्रम में चला सके तो उनका जो वीडियो है उसको संचालित करें और उसके बाद यदि गुरु जी टीम से जुड़ जाते हैं तो गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, नहीं तो उसके बाद क्रमशः माननीय गुप्ता जी का उद्बोधन होगा। तो अगले कार्यक्रम के रूप में माननीय मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन जो रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध है। चलिए जब तक कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यवधान है तो मैं माननीय गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि वो तकनीकी व्यवस्थाएं जब तक हो रही हैं हम सभी लोग माननीय गुप्ता जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर माननीय कुलपति जी के उद्बोधन के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ इस अवसर पर आप सभी अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद दें। थैंक यू। रामाय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाम। भगवान श्री सीताराम सीतामणि करते हुए विश्व के प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय जगदगुरु रामचंद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय जीवन पर्यंत कुलाधिपति और इस विश्वविद्यालय परिवार के संरक्षक संपोषक के चरणों में नमन करता हूं। आज विश्व दिव्यांग दिवस 2020 के इस अवसर पर हमारे विश्वविद्यालय के हमारे सहकर्मी अधिकारीगण पुलिस सचिव महोदय आदरणीय वित्त अधिकारी महोदय लेखा अधिकारी महोदय और हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तथा इस ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़े हुए हमारे जो विश्वविद्यालय के सभी दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं सबको सर्वप्रथम इस अवसर पर मंगल कामना प्रेषित कर रहा हूं। आज ऑनलाइन दिव्यांग दिवस का कार्यक्रम संपन्न करते हुए मैं विश्वविद्यालय की स्थापना काल से जुड़े कुछ संस्थाओं में चला जा रहा हूं। बैठे बैठे ऐसे ही मन में भाव आया
कि जब दिव्यांग विश्वविद्यालय की कल्पना की गई पूज्य पाद के द्वारा, तो उस समय कल्पना की गई और फिर इसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और फिर प्रवेश इत्यादि शुरू हो गया। लेकिन पूरे समाज के मन में इवेंट की, यहां तक कि हम स्वयं ही उसमें सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे, मेरे भी मन में ये हो रहा था कि इन दिव्यांगों को कैसे हम उच्च शिक्षा दें और किस दिव्यांग को कौन सी शिक्षा देंगे, कैसे उन्हें पढ़ाया जाएगा, कैसे यह विश्वविद्यालय चलेगा। यह बात मेरे स्वयं मन में भी बहुत पहुंचती थी कि कैसे इसका प्रायोगिक स्वरूप और व्यवहारिक स्वरूप प्राप्त होगा, कहां मुझे इतने दिव्यांग मिलेंगे, कहां उन जो विभिन्न प्रकार के दिव्यांग हैं उनको हम विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम कैसे संयोजित करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे शिक्षकों से पढ़वाएंगे, कैसे हमारा व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप। ये बातें आज भले विश्वविद्यालय 20 साल से चल रहा है तो प्रायोगिक रूप में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है और आज दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चल गई सरकार की और बहुत सारे यंत्र विकसित हो गए और बहुत सारा ध्यान इस तरफ दिया जा रहा था। लेकिन उस समय यह अत्यंत एक परेशानी का विषय था कि हम इसको कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाएं, दृष्टिबाधित बच्चा है उसको कैसे पाठ्यक्रम पढ़ाएं, कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाएं, मूक बधिर है तो उसको हम कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाएं। मूक बधिरों की समस्या तब भी आप तब तो एकदम ऐसी थी कि इनको क्या किया जाए, कैसे इन्हें पढ़ाया जाए। लेकिन अचानक एक भाव आया कि इनको कलात्मक प्रवृत्ति में ले चलिए, तो एक दिशा उनकी हो गई, चाहे जिस फील्ड में वो चले जाए और भी चाहे जिस फील्ड में चले जाए, लेकिन वह फील्ड उनकी तो तय एक और कंप्यूटर का क्षेत्र रहा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते आज हमें कोई इस विषय में परेशानी नहीं है कि दिव्यांगों को हम हर प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। यह बात अब धीरे धीरे स्पष्ट हो गई है और कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रारंभिक समय यह हम लोगों के लिए अत्यंत परेशानी का विषय था। उसका निराकरण होते होते आज लग रहा है कि हम दिव्यांग विश्वविद्यालय खोल करके, दिव्यांग विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्रदान करके, जो यहाँ चित्रकूट की धरती पर जगत बुद्धि के द्वारा कार्य किया गया, निस्संदेह एक ऐसा कार्य किया गया जो दिव्यांगों के लिए वास्तव में उनकी दिव्यांगता को समाप्त करते हुए उस सकलांगता का द्वार खोल गया। और ऐसे ही अभी हमारे पास कल बीएससी बैठे तो वो ये बता रहे थे कि सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश का जिला है जहाँ की सबसे ज्यादा कम अध्यापक मिलते हैं या सबसे कम अध्यापक वहां पर है। और चित्रकूट को उन्होंने कहा कि चित्रकूट बहुत सिचुएट है और चित्रकूट में यही के लोकल इतने शिक्षक हैं, इतना कहीं और नहीं। और विशेष करके उन्होंने बताया कि दिव्यांग विश्वविद्यालय से निकले हुए जितने शिक्षक चित्रकूट में है उतने किसी और जिले में नहीं। और उसी समय कल ही की बात है, आए थे यहाँ पर, उस समय ऐसा हमें हुआ कि एक तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय में बीएड के काफी कोर्सेज चलते थे और साथ ही अपने यहाँ जो बीएड का पाठ्यक्रम चला और उस बीएड के पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष 100 छात्र बीएड के निकलते थे और तो उसके साक्षात ये जो जितने छात्र थे वो सब के सब पूरी की पूरी तरीके से रोजगार युक्त हो गए। और शायद यह विश्वविद्यालय न खुला होता इतने तो कम से कम शिक्षक न रोजगार पाते, इतने दिव्यांग न रोजगार पाते। उसी प्रकार से अन्य दिशा में भी हमारे विश्वविद्यालय के सारे बच्चे रोजगार
अब हम इस दिशा में तो आगे बढ़ गए, लेकिन जब अभी कोरोना महामारी का समय आया तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा मन ही मन हम इस बात में परेशान रहा करते थे कि हम कैसे अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों और अन्य विश्वविद्यालयों के वातावरण की तुलना में कैसे यहाँ कार्य कर पाएंगे, कैसे हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, कैसे हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों की परीक्षा होगी। ये सारी बातें इस कोरोना के समय में मन में बात आ रही और मन में बात आ भी रही कि परेशान भी मन होता था हम सभी लोग, लेकिन मैं बड़े गर्व से आज इस बात को कहना चाहता हूँ, इस मंच से पूरे विश्व को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने, मेरे विश्वविद्यालय के जो परीक्षा से जुड़े और सब प्रशासनिक कार्यों से जुड़े जो अधिकारी और कर्मचारी जिस तरीके से परीक्षा का संयोजन किए, जिस तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं ये करके वो सब किए, वो तो इतने बधाई के पात्र है जिनके हम ऋण से मुक्त नहीं हो सकते सचे। और विशेष करके बात जो मुझे कहती थी कि सामान्य बच्चे तो ऑनलाइन वो अपना क्लास कर लेंगे, परीक्षा कर लेंगे, हमारे दिव्यांग बच्चे कर सकते, लेकिन इतना संतोषजनक कार्यक्रम है, इतना संतोषजनक कार्यक्रम हुआ कि हमारे दिव्यांग बच्चों ने पूरी सक्रियता के साथ ऑनलाइन परीक्षाएं दी और यह बताते हुए आप सबको जानकारी दी और आप सब इस बात को जानते ही हैं, पूरे देश के मैं जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें मैं कह सकता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय परीक्षाएं बहुत समय से हो गई, हमारे विश्वविद्यालय परीक्षाएं बहुत समय से हो गई। इसी बीच कुलाधिपति जी का संदेश अब आने ही वाला है, वो भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पूज्यपाद कुलाधिपति जी का संदेश हमको मिले, उनका उद्बोधन हम सबको मिले ऑनलाइन के माध्यम से। तो इस पर अगर कोई देना चाहे तो इस पर हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों ने जिस सक्रियता से कक्षाएं दी, जिस सक्रियता से उन्होंने परीक्षाएं दी और साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जिस तरीके से इस पूरे कार्य का संपादन किया, संदेह बहुत प्रशंसनीय और प्रशंसनीय ही नहीं अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि अन्य विश्वविद्यालयों में भी ये व्यवस्था हमने देखी, जो अभी तक उनका कार्यक्रम चल रहा है, उनकी परीक्षाएं चल रही है, उनका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हमने पूरी तरीके से पटल पे रख दिया। यूजीसी के सेक्रेटरी ने मुझसे अभी ये बात पूछी कि आपके यहाँ छात्र आए कि नहीं, मैंने कहा मेरे यहाँ छात्र ने आए ही नहीं, हमने सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ दिव्यांग छात्रों के साथ की नहीं जा सकती, इसलिए निर्णय लिया है कि हम जब तक कोरोना महामारी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक आपको नहीं बुलाएंगे। तो मैंने कहा लिख के देना है क्या, तो उनका नहीं, बस इतनी जानकारी दे दी। ऐसी परिस्थिति में जबकि सभी छात्र अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने जगह पर हैं, अपने अपने स्थान पे हैं, पूरे देश में है, विश्वविद्यालय परिसर में नहीं है, विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जब पढ़ते थे तब तो उनका
एक आनंद और उत्साह देखते ही बनता था बढ़ता था इस विश्वविद्यालय परिसर में। लेकिन आज जैसे विभिन्न परिस्थितियों में इस विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्रों ने और हमारे शिक्षण प्रत्याशियों ने इस विश्वविद्यालय की मर्यादा बनाए रखी और विश्वविद्यालयों के बीच अपनी मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखी है, उसी तरीके से दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज हमारे जो सारे विश्वविद्यालय के संयोजक शिक्षक रहे और सांस्कृतिक समन्वयक रहे और हमारे और भी शिक्षक और कर्मचारी रहे, करके ये कार्य संपादित किया है ऑनलाइन। निसंदेह अभी एक आज उदाहरण के तौर पर हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और यह एक ऐसा उदाहरण है जो भविष्य के लिए भी है कि हम निर्भीक हो गए, हम किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया और तमाम कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं आप विश्वविद्यालय में बैठे बैठे, जिसका साक्षात दृष्टांत आज देखने को मिला है, सुनने को मिला है। बहुत सारे बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए हैं, सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं, ये जा रहे हैं। यही तो हम करते थे ऑफलाइन, यही तो यहाँ हम सब बच्चों के साथ बैठ करके करते थे। बस इतनी ही बात है कि थोड़ा सब लोग सामूहिक रूप से रह करके कोई कार्यक्रम करते थे, एक आनंद और उत्साह का एक दूसरा अवसर होता था, वह नहीं है। शेष तो संपूर्ण सब कुछ है, संपूर्ण प्रक्रियाएं विश्वविद्यालय की चल रही है, सारा कार्य हो रहा है और इस तरीके से हम सभी को न केवल पूज्यपाद गुरुदेव के भावनाओं कल्पनाओं को चरितार्थ कर रहे हैं, उनकी साधना और तपस्या को फलीभूत कर रहे हैं, दिव्यांगों को शिक्षित प्रशिक्षित और संस्कारित करके अभी विश्वविद्यालयों के मानकों को पूरी तरीके से हम लोग चरितार्थ करते हुए अपने संपूर्ण कार्यक्रम कर रहे हैं, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं एक बार दिव्यांग छात्रों को दिव्यांग दिवस के इस अवसर पर मंगल कामना प्रेषित कर रहा हूँ और यह भाव भी प्रेषित कर रहा हूँ कि इसी तरीके से वो अपने को सजग बनाए रखें, विश्वविद्यालय उनको आगे लेके जाएगा, वो विश्वविद्यालय को आगे लेकर जाएंगे, वो ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे विश्वविद्यालय बनार के जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं, विश्वविद्यालय दिवस के अवसर पर आप सभी को मंगल कामनाएं हम प्रेषित कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री धन्यवाद माननीय कुलपति दासन, हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद है और हम सभी का उत्साह उससे और बढ़ा है। इसी बीच माननीय कुलाधिपति जी से भी फोन पर वार्ता हुई, वे प्रयास कर रहे हैं कि लिंक से शीघ्र जुड़ जाएं, जैसे ही वो जुड़ जाते हैं तो हम उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और यदि किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत होती है तो फोन पर ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे उनके माध्यम से ही, जो प्रयास चल रहा है। आनंद सर, अगर हमारे मुख्य अतिथि महोदय The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Thank you.
Your Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
संगीत विभाग डॉक्टर विशेष नारायण मिश्र जी व्यक्ति करता हूँ।
विद्या छोटी हम सभी लोग अपने स्थान पर Thank you.
विश्वविद्यालय का कुल के द्वारा ध्वनिबद्ध और स्वागत किया हुआ, जिसे संगीत विभाग की सहायता से प्रज्ञा जी ने प्रस्तुत किया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक और विश्वविद्यालय की उपलब्धि जिसकी चर्चा हम बीच में करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं सूचित करना चाहता हूँ, किंतु इस मंच पर मैं उस बात को बताना चाहता हूँ कि हमारे लगभग सभी विभाग के एक दो चार विद्यार्थी इस बार नेट या जेआरएफ हुए। मुझे लगता है हमें एक आज जेआरएफ हम लोगों को बड़ा सुखद है कि सर ने बताया कि जो लोग रिसर्च के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हम सभी लोग एक बार पुनः उन विद्यार्थियों के लिए भी यही शुभकामनाएं। और अब इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं रजनीश जी से धन्यवाद ज्ञापन करें, तत्पश्चात इस कार्यक्रम को हम विश्राम करेंगे। विश्व दिव्यांग दिवस 2020 के पावन अवसर पर विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं संपोषक माननीय कुलाधिपति जगद्गुरु स्वामी श्रीराम भद्राचार्य जी महाराज जी के चरणों में मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के इस पुनीत क्षण में मैं कुछ पंक्तियों से विवाद को प्रारंभ करना चाहता हूँ। सिंधु पाने के लिए दृढ़ प्यास बन पहले तुम्हें मार्ग में बहना पड़ेगा, बिंदु पाने के लिए हिमखंड बन मार्ग पर तुमको चलना पड़ेगा। यदि जानते हो यह धरा सबकी धरोहर है तो इस धरा पर हर आदमी को आदमी से आदमी कहना पड़ेगा। वो समय था आज से 20 वर्ष जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले समाज का एक बहुत बड़ा भाग सामाजिक दृष्टि से ही नहीं आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अपवंचित था। इस अपवंचित का जो जो जो, जो इसकी पीड़ा थी वो वर्ग ही समझ सकता था, लेकिन उसको सशक्त बनाने का जो पीड़ा हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय जी ने उसमें उठाया, वो न केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक अभिनव प्रयास था। आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर यूं तो राज्य सरकारों की सरकारों ने बहुत अनेकों उल्लेखनीय प्रयास किए हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो प्रयास सबसे बड़ा योगदान है उसको युगों युग तैयार किया जाता रहेगा विश्वविद्यालय की स्थापना के। मैं हृदय से ऐसे माननीय राज्यपाल जी के प्रति अपना हार्दिक आभार हार्दिक बंधन अपना व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अमूल्य समय निकाल करके आज विश्व के सभी दिव्यांगजनों को न केवल प्रेरित किया बल्कि इस मिशन को आगे ले जाने के लिए उनको आवश्यक तो मार्गदर्शन प्रदान किया। इसी क्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ऑनलाइन माध्यम से इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया श्री महेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश शासन, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने न केवल दिव्यांग विश्वविद्यालय को बल्कि विश्व के सभी दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग दिवस पर अपने आशीर्वचन दिए, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी बेला में मैं तुलसीपीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज जेम्स जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी हम सभी का मार्गदर्शन किया, हमको सभी को प्रेरित किया और दिव्यांगजनों को उनके कल्याण के लिए अपने आशीर्वचन
प्रस्तुत किए और जिनका जिनके नेतृत्व में और जिनके आशीर्वाद से और उनके हमारा जो प्रशासनिक कार्य है विश्वविद्यालय का आगे बढ़ रहा है। हमारे यशस्वी माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश चंद्र द्विवेदी जी का भी मैं हार्दिक हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अमूल समय देकर के आज दिव्यांग दिवस के अवसर पर हमारे समस्त शिक्षक कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को और दिव्यांगजनों को अपना आशीर्वचन प्रदान किया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव महोदय डॉक्टर महेंद्र कुमार उपाध्याय जी, माननीय वित्त अधिकारी हिदमापत मिश्र जी, माननीय लेखा अधिकारी महोदय न्यायमन गोयल जी, अधिष्ठाता वृंद और विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक कर्मचारी विशेषकर हमारे दिव्यांग छात्र छात्राएं, इतने दिनों से जो हमारा विश्व दिव्यांग दिवस है इसमें किसी प्रकार का भले ही हम भौतिक रूप से यहाँ पर कुछ को प्रस्तुत नहीं कर पाए, ऑनलाइन माध्यम से भी सजीवता का जो प्रस्तुतिकरण किया उसके लिए मैं सांस्कृतिक समन्वय डॉक्टर गोपाल कुमार मिश्र जी उनकी पूरी टीम विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो संयोजक हैं मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके बिना सहयोग के निश्चित रूप से हम लोग नहीं मना पाते, लेकिन उन्होंने कुछ अभाव की हमको किसी भी स्तर पर महसूस नहीं होने दिया और यह दिव्यांग दिवस आज भी उसी उत्साह के साथ संपन्न हुआ जैसे परंपरागत रूप में संपन्न होता रहा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमारे कर्मचारी वृंद, हमारे जो तकनीकी सहायक हैं और सभी ने हमारा सहयोग किया, मैं उन सभी के प्रति अपना हृदय से विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही माननीय विश्व दिव्यांग दिवस समारोह 2020 को यही विश्राम करने की अनुमति चाहते हैं और आपके अनुमति कार्यक्रम के विश्राम करते हैं। सभी हमारे जो ऑनलाइन जुड़े हुए छात्र थे वे सभी विशेष बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतने संयम से कार्यक्रम में सहभा किया। एक बार पुनः सबको नमन करता हूं। Thank you.